प्यारे विद्यार्थियों, अभी नीट एस्पिरेंट्स के दिमाग में सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि वो ड्रॉप लें या ना लें। 12वीं क्लास के बाद हैं तो अगले साल ड्रॉप करें या एक साल ड्रॉप हो चुका है, तो इसमें बहुत चीज़ें समझनी है आपको कि कोचिंग इंस्टीट्यूट या टीचर्स या फैमिली एनवायरनमेंट आपको टेम्प्रेरी मोटिवेट कर सकता है कि आप तैयारी करिए, एक साल और ड्रॉप करिए, लेकिन तैयारी आपके कंधों पे है, आपको तैयार होना पड़ेगा। मेंटली प्रिपेयर हैं आप उतनी मेहनत कर सकते हैं। आप अपनी चीज़ों को एनालाइज करिए, कोई भी डिसीजन लेने से पहले एनालाइज करिए कि आपने 12वीं का रिजल्ट कैसा था, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसा है, आपकी रीडिंग हैबिट कितनी है, आप सेल्फ स्टडी कितना कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी में आपको कहना पड़ता है किसी बच्चे किस बार बार आपको बोलना पड़ रहा है कि बेटा पढ़ ले, ऐसा अगर आपके साथ है, आपकी सेल्फ स्टडी हैबिट अच्छी नहीं है, आपके स्किल जो था मैथमेटिक्स का, बेसिक मैथमेटिक्स का जो आपसे क्वेश्चन करने थे आपको, वहाँ अगर कमी है कुछ, तो आपको सोच समझ के फैसला लेना चाहिए। ज़्यादा इमोशनल होके नीट के लिए कई कई साल बर्बाद करना बेटर नहीं है। कोई और भी ऑप्शन आप ले सकते हो, बहुत ऑप्शन है आपके पास। हाँ, तो इसमें जो ज़रूरी चीज़ है, आपको एक और चीज़ देखनी है कि जैसे आप 12वीं क्लास के बाद आपने रिजल्ट दिया, उसमें ये देखो कि आपका परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है मार्क्स में। केवल मार्क्स मत देखो, मान लो 10-12वीं के साथ आपके 200 नंबर आए थे, आपने कोचिंग नहीं लिया और आपने एक साल ड्रॉप करके आपने उसको 400 कर लिया, ये एक बड़ा चेंज है। लेकिन आप 12वीं के साथ आपके 300 नंबर आए थे और एक साल ड्रॉप करने के बाद भी आपके 400 बने हैं, तो अगले ड्रॉप पे मत जाइए। परसेंटेज चेंज कितना आया, जनरली स्कोरिंग में अगर मैं बताऊँ, 300 का स्कोर अगर किसी साल है तो उससे अगले साल उसमें 200 से 250 का इंक्रीमेंट होता है। जनरली जो बहुत अच्छी मेहनत करते हैं बच्चे, वो इसको स्कोर को लेके जा सकते हैं, 650 के पार लेके जा सकते हैं। तो इन चीज़ों को एनालाइज करके आपको डिसीजन लेना है, क्योंकि मेहनत आपको करनी है। विश यू ऑल द बेस्ट।